एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपाऊ में स्थित हसनपुर बारू गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 2800 वोटरों द्वारा सुनीता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 370 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 8 हैंडपंपों को रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 250 विद्युत पोल, 40 विद्युत ट्रांसफार्मर व 70 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व तालाब का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 265 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी की टंकी, शमशान घाट, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, कंडेंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। गांव 6000 की आबादी का है और यहां पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार से गुजारिश करता हूं कि पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए और एक अंतस्थल मतलब मरगट के लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ। हमारे यहाँ बारात घर और स्वास्थ्य केंद्र की बहुत अति आवश्यकता है। सरकार का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। हमारे यहाँ से लगभग 10-10 किलोमीटर दूर कॉलेज है, हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारे गांव के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए।